सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो। एक सोलो इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट। सो मेरा अभी इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ का, बाकी अभी देखता हूँ आगे। अभी मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो मनी एक्सचेंज तो यहाँ पे आई थिंक नहीं होगा, बाहर आपका जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से होगा आई थिंक। सो अभी थोड़ा यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, किस कारण जा रहा हूँ। सो आई टेल यू एवरीथिंग। सो बस देखिए, अभी मैं हूँ यहाँ पे वेटिंग एरिया पे, कोलकाता इंटरनेशनल जो है टर्मिनल पे हूँ अभी फ़िलहाल। सो सामने जो है आपका ट्रेवल क्लब एयरपोर्ट लॉन्च इंटरनेशनल, तो उसका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो एक बनाऊँगा मेरा कार्ड से। तो मैं अपना कौन सा कार्ड यूज़ करके जो है इंटरनेशनल जो है टर्मिनल पे एयरपोर्ट लॉन्च का जो है एक्सेस ले पाऊँ। सो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ी देर में आप लोग इंतज़ार करिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो आप लोग बी एक्टिव और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नया नया जो है ब्लॉगिंग धमाकेदार देखने के लिए मिले। और मैं पूरा जानकारी दूंगा इमिग्रेशन के बारे में कोलकाता और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का। तो कहाँ जा रहा हूँ एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बैंकॉक थाईलैंड। किस लिए जा रहा हूँ तो मैं अभी आप लोगों को रिवील नहीं कर पाऊँगा एज़ पर सिक्योरिटी रीज़न, जो मैं वो आपको बताऊँगा थाईलैंड में जो है इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को बताऊँगा मैं किस कारण जा रहा हूँ और घूमने जा रहा हूँ। आई थिंक घूमने जा रहा हूँ और बाकी थोड़ा काम है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सो अभी फ़िलहाल मैं वेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर और देखता हूँ एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस ले पाऊँगा कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फ़िलहाल अभी थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, फ्रेश बोला था थोड़ा सांस ले लेता हूँ। इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ, क्या क्या पूछा कोलकाता में जस्ट, मैं वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा। सो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सो अभी फ्लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब कोई थाईलैंड की फ्लाइट लेने, और देख सकते हैं थाईलैंड आ रहा है। सिम का बट बट तो फाइनली उधर पहुंच गए हैं बैंकॉक। अभी हूँ स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक। बैगेज है मेरा, तो अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन। तो कैसा रहता है मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा कि इमिग्रेशन का कैसा प्रोसेस है क्या नहीं है, और एवरीथिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसी वीडियो पे। सो वो भी वीज़ा तो ही थोड़ा देखना पड़ेगा। चलो ना देखते हैं क्या है, सामने होगा। तो अभी
इमिग्रेशन कराने की बात, उसके बाद बस का टिकट कराना पड़ेगा और उससे पहले बेल से अपना लगेज लेना पड़ेगा। तो अभी इमिग्रेशन का स्टॉप लगाता हूँ। वीडियो शूट कर रहा हूँ स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेंसी एक्सचेंज का देख रहा हूँ कैसा रेट मिलता है यहाँ पे थाई बाट का, तो एक्सचेंज करा लेता हूँ। वह बंद है, यही है कि खुला है, तो पूछता हूँ। फाइनली लगेज मिल गया है और थोड़ा मनी एक्सचेंज किया हूँ। मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग कभी भी जो है एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज मत कराइए, ठीक है। मुझे एक सबक मिला है क्योंकि यहाँ पर जो है वीज़ा फ्री है, लेकिन और एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, वीज़ा फ्री नहीं है। फिर 200 जो है थाई बाट ले रहा है, 200 थाई बाट ले रहा है, यानी इंडिया का 450 रुपया के आसपास जो है थाई बाट ले रहा है, यहाँ का रुपया ले रहा है, 200 थाई बाट लेता है। और मैंने एक्सचेंज करवाया हूँ मानी, 15 पैसा दे रहे भाव, 15 पैसा, जहाँ पर देना चाहिए था 2 रुपया समथिंग कुछ देना चाहिए था, 60 पैसा ऐसा कुछ देना रहा है, सीधा 50 पैसा दे रहे हैं। 7000 का वो करवाया हूँ, एक्सचेंज करवाया हूँ, मुझे मिला है आपका कितना, 1000 समथिंग कुछ पैसा मिला है 7000 का वो, उससे क्या बताओ, एकदम बकवास है। आप कभी भी जो है एयरपोर्ट पे आप एक्सचेंज मत कराइए, आप बाहर करवाइए। यदि बैंकॉक से माने तो मेन बात यही है कि आप एयरपोर्ट से बाहर मनी एक्सचेंज करवाइए, कितना मेरा को नुकसान हो गया है, ठीक है ना। मुझे 7000 में मिलना था, यह ऐसा कम से कम 3500 मिलना था, तो लेकिन मुझे मिला है कितना, 1000, 2500 रुपया का नुकसान हो गया है, यह का 2500 थाई बाट का नुकसान हो गया है। तो अभी क्या करें, बाकी अभी जाता हूँ बस टिकट करवाता हूँ और आया उसके लिए मैं निकलता हूँ। और बाकी जो है देख सकते हैं यहाँ पे सिम वगैरह है, तो सिम भी मैं यहाँ से नहीं लूँगा, बाहर से लूँगा। और वाईफाई कनेक्ट करके देखता हूँ, कनेक्ट करना हो तो वाईफाई कनेक्ट करूँगा। बाकी सीन कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। और इमिग्रेशन कैसा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। मुझे ऊपर जाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पर बस के लिए, और बस का टिकट करवाता हूँ पहले। टिकट करवाने के बाद में, उसके बाद में इमिग्रेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो शायद उस साइड में जाना पड़ेगा। उस साइड में लिखा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिस वे, तो ऊपर जाके अभी फटाफट टिकट करवाता हूँ, टिकट करवा के और देखता हूँ कितने बजे का बस रहता है यहाँ से। व्यू कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का। इस साइड में थाई रेस्टोरेंट, आई थिंक दिस वे, तो दिस साइड आपको थाई रेस्टोरेंट दिख रहा होगा इस साइड में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस
गलती हो गई, मैं ऊपर चला गया था तो मुझे जाना है नीचे, तो मैं चला गया था ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर वो तो बोल के रखा है, लेकिन वो पता नहीं फर्स्ट फ्लोर है कि नहीं। देखिए बताएं कि बात के लिए आपको ये जो गेट नंबर दिख रहा है 7, तो गेट नंबर 80 वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा रहेगा पटायाबाद सर्विस बोल के, तो इसे टिकट लेना है। कब का है वो पता नहीं, यहाँ पे बंद है। ये जो आपको दिख रहे हैं पटाया हुआ हिंद बंद होगा शायद। सो कब ओपन होगा आई डोंट नो, वही से टिकट मिलेगा तो वेट करना पड़ेगा कब आएगा। बाकी देखता हूँ कब तक आता है लोग। ये पटाया में उतरा हूँ बस से, लगभग अभी टाइम हो रहा है आपका, टाइम हो रहा है 8:30, तो ये लगभग 1.5 घंटा टाइम लग गया है। सो अभी चढ़ा हूँ, ये आपका टुक टुक ही बोलता है या क्या बोलता है, बैटरी गाड़ी जैसा होगा, पागल का गाड़ी है हमारा। तो ये बैठा हूँ अभी होटल की ओर जा रहा हूँ, तो यहाँ से तो अभी होटल में जाके चेक इन करता हूँ, उसके बाद बाकी जो है देखेंगे। तो देखिए बस कुछ इस तरह है, बहुत थक गया हूँ और सोया नहीं कल से। सो अभी जाता हूँ जाके फटाफट चेक इन करवा के सब लोगों से मिलता हूँ। डायरेक्ट जो है मेरा हॉस्टल का जो है बेलकनी से आपको बीच का पूरा नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है बीच का, यहाँ से आपको पूरा व्यू आपको दिखेगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अभी देखिए मैं लॉबी पे जाता हूँ, लॉबी दिखाता हूँ कैसा है। रिसेप्शन और ये है आपका लॉ।